कोई जगह बहुत दूर थी, कहीं पे स्नोफॉल हो चुकी है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि हाँ भी मैं ये वीडियो डालूंगा नहीं डालूंगा। फिर यहाँ पे कोई फंक्शन भी चल रहा है, कई बार स्टाफ खराब कर देता है जगह को। यहाँ पर हम खड़े हैं चिंतपूर्णी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और ये रात को हमने यहाँ पे बारबेक्यू किया था। 6 घंटे का सफर हमने 9 घंटे में पूरा किया। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ घर पे सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज मैंने घर पे शूट नहीं किया, पहली बात तो ये, क्योंकि घर पे हमें निकलने में जल्दी थी कि हम निकलें जल्दी जल्दी से। तो इस खूबसूरत सी लोकेशन पे आके मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। और जगह हम जहाँ पे जा रहे हैं, बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई ऑफ बीट जगह चाहिए मेरे को घूमने के लिए। तो ऑफ बीट जगह जो थी कुछ बहुत दूर थी, अकॉर्डिंग टू जैसे मेरा स्टे था, दो रात के लिए जाना था मैंने, तो कोई जगह बहुत दूर थी, कहीं पर स्नोफॉल हो चुकी है, तो मैं जा नहीं पाया। सो ब्रोट वैली फाइनली चूज़ की है। नो डाउट कि वो पॉपुलर है, लेकिन वो ऑफ बीट आज भी है, वो सभी को पता ही है। सो अभी हम जा रहे हैं ब्रोट वैली के लिए, और रास्ते में अब रुके थे, मैंने कहा यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग कर देता हूँ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि हाँ भी मैं ये वीडियो डालूंगा नहीं डालूंगा अभी, क्योंकि ये जो जर्नी, अगर जर्नी बढ़िया रहेगी, मतलब कि सफ़र में मज़ा आता रहेगा, तो मैं श्योरली शूट सब कुछ करूंगा, डालूंगा लास्ट में देखे कि ये जर्नी मेरे को डालनी कि नहीं डालनी। और फाइनली भी जा रहे हैं ब्रोट वैली, हम 3 लोग जा रहे हैं, और हमने अपना कोयला वगैरह ले लिया, बोनफायर वगैरह करने का, बारबेक्यू वगैरह का पूरा मन है। सो बहुत चिल होने वाला है इस ट्रिप में, और आपको दिखाऊंगा कुछ अलग अलग सी लोकेशंस, कुछ हिडन वाटरफॉल्स, कुछ जो भी मैंने प्लान किया है। सो वो चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको। अपने आगे वाले जो एपिसोड्स आएंगे मेरे, उनमें मैं आपको कुछ यहाँ की अलग अलग नई नई चीज़ें दिखाऊंगा, जो भी ब्रोट वैली के आसपास में अट्रैक्शंस हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, ब्रोट वैली पहुँचेंगे भाई इस वीडियो में, उसके बाद अगले एपिसोड में वहाँ की अट्रैक्शंस आएंगी। इसमें आपको कैंप का टूर दे दूंगा मैं एक। थैंक यू। तो रास्ते में हम चिंतपूर्णी माता को जब हम क्रॉस करते हैं रास्ते को, तो ज्वाला जी की ओर जाते हुए ये जगह आती है, उडुपी आला साउथ इंडियन फूड, कांगड़ा वाला पंजाबी फूड। तो ये जगह है, मतलब कि आप लंच वगैरह के लिए, डिनर के लिए रुकना चाहते हो तो ये जगह बेहतरीन रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये सबसे फेमस पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई फंक्शन भी चल रहा है। चलो अब खाते पीते हैं कुछ। दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और चपाती और सैलड है साथ में, खाने का आने वाला है मज़ा बहुत। तो हम लोग खाते हैं, नींबू मंगवाया है जो हम प्याज के ऊपर पूरा निचोड़ के नींबू को अच्छे से खाएंगे, क्योंकि तो भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। तो खाना खाने के बाद ही बात करते हैं, या किसी और जगह रुक के बात करते हैं। तो जी हाँ, लंच करके हम बाहर आ चुके हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल बहुत टाइम लगा दिया, दही बड़ा बोला था हमने खाने के लिए, उसको इन्होंने 20 मिनट लगा दिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं है हमारे पास अवेलेबल। क्या है, परेशान करते हैं लोग, इतना अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है ना, कई बार स्टाफ ख़राब कर देता है जगह को। एनीवेज़ अब हम निकल रहे हैं, तो थोड़ी सी रास्ते के बारे में जानकारी दे दूँ। रास्ता बहुत नीट एंड क्लीन है, कोशिश कीजिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले या रात का सफ़र करो, क्योंकि रास्ते साफ़ होते हैं, बल्कि क्लियर होते हैं पूरे, ट्रैफिक जाम नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर हम खड़े हैं चिंतपूर्णी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये रेस्टोरेंट जहाँ पे हम हैं, और यहाँ से ब्रोट वैली की दूरी रह जाती है 150 किलोमीटर के लगभग। तो अभी हमें 4 घंटे का रन जो भी बता रहा है गूगल मैप पे, तो अब देखते हैं, चलते हैं 4 घंटे का रन। अभी मतलब कि अप्रॉक्स 5-6 बजे के लगभग पहुँचेंगे हम। चलो मिलते हैं आगे। जी हाँ, तो अभी हम ब्रोट वैली अपने कैंप में। हुआ सीन ये, मैंने इसलिए निकल बाकी का वीडियो बनाया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके थे और अंधेरा हो चुका था, हमारा पूरा दिन ड्राइविंग में ही निकल गया, तो इसलिए हमें वो चीज़ नहीं कर पाया, वीडियो नहीं बना पाया। तो रात को हमने पूरा एंजॉय वगैरह किया, उसके बाद सुबह नहा धोकर हम अगली जगह पर जा रहे हैं घूमने के लिए, ब्रोट मार्केट वगैरह, वैली वगैरह पूरे घूम के आते हैं आज। तो ये सीन था, इसलिए मैंने रात को बिल्कुल शूट नहीं किया।
अब सुबह उठ के सारा कुछ करके उसके बाद मैं अब सब कुछ कर रहा हूँ। अब जाने की तैयारी हो रही है हमारी, तैयार हो गए हम। और आपको थोड़ा सा मैं अब रूम तो बहुत मैस हो रखा है, एकदम से उथल पुथल हो रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे से इनके कैंप है। और ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये कैंपिंग एरिया ही है और ये मेरे को बेस्ट लोकेशन लगती है यहाँ पे ब्रोड वैली में कैंपिंग के लिए। उसका रीज़न है ये हिमायत कैंप करके इसका नाम है, आपको गूगल पे सर्च करने में मिल जाएगा हिमायत कैंप, HEIMAT हिमायत कैंप। यस, सो आप एक बार देख लीजिए कैसे हैं यहाँ पे कैंप। ये सारे कैंप हैं, आपको रूम थोड़ा सा दिखा देता हूँ अगर समझ में आता है कुछ। तो हम तीन लोगों की शेयरिंग थी, तो ये हमारे तीन बेड थे। वॉशरूम भी इनके अच्छे हैं, ठीक है, कंफर्टेबल हैं। तो इनको बोलूँगा कि साफ कैंप किसी का अगर वो टूर मिल जाए तो। और ये सामने की लोकेशन है भाई, जिसके कारण ये कैंप मेरे को अच्छा लगता है। रात को भी आप बैठे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, बारबेक्यू इंजॉय कर रहे हो, बोनफायर इंजॉय कर रहे हो, तो ये जगह आपको जो पानी की आवाज़ है, वाह, ये मज़ेदार है भाई पूरी। और ये रात को हमने यहाँ पे बारबेक्यू किया था। आप कोयला वगैरह साथ में ला सकते हो, ठीक है, कोयले की इनके पास शॉर्टेज रहती है, ये आपको बारबेक्यू अवेलेबल प्रोवाइड कर देंगे, आपको इनके पास अवेलेबल रहता है हमेशा। और बोन फायर भी लोगों ने कहीं ने किया था, जैसे ये रहा, तो बोन फायर हो गया, बारबेक्यू हो गया, इनका 500 चार्जेस लेते हैं वो। और इसके अलावा इस सभी कैंप्स हैं इनके यहाँ पे काफ़ी सारे रोड वैली में। बेसिकली आप देखोगे तो कैंपिंग साइट ही है यहाँ पे, होटल्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, हैं लेकिन गेस्ट हाउस टाइप से हैं, बहुत कम होटल्स हैं यहाँ पे। और इन्होंने ये फीलिंग भी दे रखी है, बास्केटबॉल का कोर्ट दे रखा है यहाँ पे, आप बास्केटबॉल वगैरह खेल के थोड़ा वार्म अप हो सकते हो अगर आप किसी के साथ आ रहे हो, जैसे आपका ग्रुप है तो यहाँ पे बोनफायर हो जाएगा रात को। ये भी जगह दी हुई है, वो ऊपर इनका पार्किंग एरिया है और ऊपर दूसरे किसी बंदे के कैंप है, और वो मेन रोड से आकर अब यहाँ से नीचे आते हो। और ये भी इनके कैंप है, काफ़ी बढ़िया है। मैं बात करूं रेंट की, तो हम तीन जनों को इन्होंने 1000 रुपये पर पर्सन लगाया था। 1000 में वेज नॉन वेज मील दोनों तरह की मील थी, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ, मतलब कि हम तीन जनों का 3000 लगा ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ। और डिनर बहुत टेस्टी था इनका, एक पनीर की सब्ज़ी थी, दाल थी और एक चिकन ग्रेवी के साथ था, राइट। और जो हमने तंदूर वगैरह भी बारबेक्यू लगाया था वो इन्होंने मैरिनेट कर दिया था, हमने फ़ोन पे बोल दिया था कि अब चिकन लाकर उसको मैरिनेट कर दो आप, हम आ रहे हैं इतने बजे पहुंच जाएंगे। फिर बनाया हमने खुद उसकी एक आधी पिक्चर मैं डाल दूंगा कैसा बना था रात को। मतलब कि ये व्यू जो है ये पूरा जबरदस्त होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे आप बैठो, इंजॉय करो चाय सुबह की। तो ये मेन बेसिकली फीलिंग थी। और जो ब्रोड वैली तक का सफ़र रहा वो मेरी कल भी मैंने बोला था, वो आज भी मतलब कि इसी वीडियो में बोला था मैंने, कल तो मेरे लिए था शायद। तो आपको करना क्या है कि आप जहाँ तो आप रात का सफ़र करें अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें। सर्दियों में हम भी धुंध की वजह से नहीं निकल पाए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, लेकिन आप अगर सर्दियों में नहीं आ रहे, किसी और मौसम में आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें जल्दी निकलने की, क्योंकि ट्रैफिक आपको बहुत मिल सकता है रास्ते में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा देरी होगी। 6 घंटे का सफ़र हमने 9 घंटे में पूरा किया, तो उस चीज़ से आप बच सकते हो। और रूम का मैंने आपको बजट वगैरह बता दिया, कैंप टूर दे दिया आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पर बंद करूँगा, ठीक है। और अब ब्रोड वैली क्या है क्या नहीं है, अगर कुछ है कुछ प्रॉपर देखने के लिए तो उसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर डालूंगा मैं। और उसके बाद आज हमारा आज मन है कि मैक्लोडगंज में जाके हम नाइट स्पेंड करें आज, तो वहाँ पे हमने एक क्लब में, लबूजा नाम से क्लब है, वहाँ पे बुकिंग करवा ली अभी से अपनी। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोगों के साथ फिर आता हूँ एक बार। अब हम ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम
निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। वीडियो देखते हो चले जाते हो, नहीं अच्छी लगती तो भी सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। ओके बाय।